निसार गुलजार और आज मैं आपके लिए अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले कि आज की वीडियो हम देखें, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम आपको फार्मिंग एरिया का विजिट करवाएंगे, चले मेरे साथ। दोस्तों, आज हम यहां पर फार्मिंग एरिया का विजिट करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फार्मिंग एरिया की बाउंड्री वॉल जो है, आयरन के जो पाइप्स हैं, इनके साथ की गई है। तो यहां पर बहुत ज्यादा जानवर हैं और हमारी इस वीडियो की वसासत से हम आपको बताएंगे कि विलेज में फार्मिंग जो है किस तरह से की जाती है। तो ये सारा वो एरिया है जहां पर इन जानवरों के लिए खुराक की तैयार की जाती है और ये सारा एरिया जो है, ये फार्मिंग हाउस जो है, यहाँ पर जानवरों को पाला जाता है ताकि गोश्त की जो प्रोडक्शन है वो की जा सके। दोस्तों, ग्रामीण डिस्कवरी चैनल की तरफ से ये वीडियो आपको दिखाई जा रही है। तो आप सब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम फार्मिंग एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा जानवर मौजूद हैं और ये गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए इस फार्म में जानवरों को पाला जाता है और ये जानवर एक खास तरह की खुराक जो है इनको खिलाई जाती है, जिसको हम सैलज बोलते हैं। रोजाना की बुनियाद पर इन जानवरों का वजन किया जाता है और उनको फिर रिकॉर्ड में नोट कर लिया जाता है। ये यहां पर बहुत ज्यादा तादाद में जानवर हैं और इनकी देखभाल के लिए यहां पर डॉक्टरों की टीम जो है वो तश्कील दी गई है और इन जानवरों की नंबरिंग की गई है। हर एक जानवर को एक टैग नंबर अलाट किया गया है ताकि आप देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, 079 ये व्हाइट वाला जो बैल है और इसी तरह से 200। आज की ये हमारी अमेजिंग वीडियो, यहाँ पर बहुत ज्यादा बैल हैं और इसलिए इनको यहाँ पर खुली जगह पे रखा गया है ताकि इनकी नशोनुमा में बेहतरी आए और
इनका गोश्त जो है उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए खास किस्म का जो चारा है मैं आपको दिखाऊंगा, ये सैलेज है और इसको प्लांट पर प्यार किया जाता है। इसमें मकई और बहुत सारी चीजें केमिकल वगैरह लगाए जाते हैं और 24 घंटों के लिए यहाँ पे इनको ये पानी का इंतजाम है, मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आज की ये हमारी वीडियो ग्रामीण डिस्कवरी चैनल की तरफ से आपके लिए बनाई जा रही है। यहाँ पे इस फार्म की पार्टीशन की गई है, यहाँ तक गोश्त वाले जानवरों को रखा गया है। और इस टाइप से दूध देने वाले जो जानवर हैं उनकी उनको रखा गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की गाय है, लेकिन हमारी इनसे बात हुई, यहाँ पर इसको मुनासिब टेम्परेचर पर नहीं रखा गया और ये बहुत कमजोर है। यहाँ पर खूबसूरत परिंदे भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं दूध देने वाली बहन से भी यहाँ पर हैं। आज की हमारी ये वीडियो ग्रामीण डिस्कवरी चैनल की तरफ से। पाकिस्तान में खुराक की कमी है और गोश्त जो है ये वाफर मकदार में इस्तेमाल किया जाता है और इस फार्म में गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जानवरों को पाला जाता है।
ये खूबसूरत नज़ारा, ये वो जगह है जहाँ पर सारे जानवरों की खुराक को स्टॉक किया गया है और इसको हम सैलज बोलते हैं। और इसकी हाइट जो है ये जमीन से 10 फीट बुलंदी पर है। ये आज का खूबसूरत नजारा, तो ये सैलेज है जी, जानवरों के लिए एक खास किस्म का चारा। यहाँ पर फयाज हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे कि ये सैलेज कैसे इसको सेव किया जाता है और किस चीज से इसको तैयार किया जाता है। जी फयाज, आप उठा के दिखाएंगे क्या चीज है? ये एक खास किस्म का चारा है और ये मकई की फसल जो है जब ये तैयार होती है तो उसके बीज भी जो है आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसके बीज भी मशीन के जरिए से इसे छोटे छोटे पीस में कर दिया जाता है और उसके बाद इसको महफूज किया जाता है ताकि ये चंद महीनों तक जो है वो जानवरों के लिए बतौर खुराक जो है वो इस्तेमाल किया जाए। ये चारा वो है जिससे जानवरों की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। एक अंदाजे के मुताबिक ये जानवर एक दिन में 7 से 8 किलो का वजन जो है इसमें इजाफा होता है इस खुराक को खाने। ये खतरनाक है। खूबसूरत बत्तखें इस सैलेज को खा रही हैं और ये हमारे लिए खूबसूरत नजारा है। आपके लिए ये मैं दिखाऊंगा। Oh, my God.